उसके अंदर आनंद का अनुभव होता है, आनंद का अनुभूति होती है। और तीन चीज होते हैं, जब भी हम भगवान के संपर्क में आते हैं तीन चीज होते हैं। सबसे पहला यह होता है हमारे सारे कष्ट, सारे समस्याएं, सारे दुख का निवारण होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा दुख और क्लेश का निवारण होता है। और दूसरा आनंद का अनुभव होता है। और तीसरा क्या, और वो आनंद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और मीठा होते जाता है। जैसे ऐसा कोई शक्कर है, मिश्री जो होता है, मिश्री में बहुत मीठा होता है, लेकिन मिश्री से भी मिश्री को और मीठा कर सकते हैं क्या? मिश्री को और मीठा कर सकते हैं नहीं, लेकिन भगवान का नाम ऐसी मिश्री है, इसको और भी मीठा किया जा सकता है। जितना भी भगवान का नाम लेंगे उतना और मीठा हो जाएगा, तो उसकी मिठास बढ़ती जाती है, उसका आनंद बढ़ता जाता है। तो ये तीन चीजें होती है जब भगवान के नाम भगवान के रूप में हम करते हैं। तो प्रत्यक्ष आगमन का मतलब यह है कि जैसे ही आप भक्ति करते हैं तो तुरंत आप महसूस कर सकते हैं उसका प्रभाव क्या है अपने जीवन में, किसी और को आकर बताने की जरूरत नहीं है, और खुद करके महसूस करो। जैसे खुद खाने के बाद खुद महसूस होता है कि मेरी भूख मिट गई, और क्या होती है, सिर्फ भूख मिट गई क्या, खाना खाने से और भी बहुत कुछ होता है, खुशी मिलती है, ताकत मिलता है। हमने निर्जल उपवास किया तो एक दिन कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिए, गर्मी बहुत था, अगले दिन तो ऐसा लग रहा था कि हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे, गिर जाएंगे। तो लेकिन जैसे हमने प्रसाद ग्रहण किया तुरंत शक्ति पुष्टि चलने लगे, ठीक है। तो खाने खाने से सबसे पहले क्या, भूख तो बढ़ जाएगा, उसके बाद तुष्टि पुष्टि, पुष्टि मतलब शक्ति, तुष्टि का मतलब यह है मन संतुष्ट हो जाता है। पहले क्या होता है, भूख मिट जाता है, चुनाव आए पर भूख मिट जाता है, फिर मन संतुष्ट हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, और फिर तीसरा शक्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति परेशान हो व्यर्थ रखने अन्य चल, इसका मतलब यह है जब भक्ति करते हैं तो तीन चीज होते हैं, भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ता है पहला, और भगवान के नाम रूप गुण लीला समझ में आते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, और वैराग्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आपका अनासक्ति आसक्ति चली जाती है, आकर्षण कम हो जाता है। जो भक्त नहीं होते हैं उनके भौतिक आकर्षण बहुत प्रबल होता है। भौतिक आकर्षण का मतलब क्या है, अपने शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुएं, जैसे व्यक्ति सोचता है कि मैं ही शरीर हूँ और ये शरीर से संबंधित जो है मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, मेरे मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, हाँ मेरा धन दौलत है, मेरा घर है, मेरा बैंक बैलेंस है, जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा, ये सब जो है भौतिक आसक्ति का प्रतीक है। तो इन चीजों के प्रति जो आसक्ति है वो स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, वो स्वाभाविक रूप से आकर्षण में रहता है, वो लालच भौतिक जो भौतिक भोग करने की जो प्रवृत्ति है, जो लालच है अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा चीज कुछ मिला है। तो भक्ति जब करते हैं स्वाभाविक रूप से वो वैराग्य भी आता है और भक्ति का आनंद का भी महसूस होता है, प्रत्यक्ष आनंद। उसके बाद सुसुप्त मतलब ये करना बहुत मुश्किल है, आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है लेकिन बहुत मुश्किल है, हम तो साधारण आदमी, साधारण इंसान है, आम इंसान हूँ मैं, मैं कैसे कर सकता हूँ भक्ति, क्या मुझसे संभव होगा, ऐसे लोग तो सोच सकते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि सुसुप्त कर दो, ये करना बहुत आसान है और करने में बहुत आनंद भी है। सुसुप्त कर तुम प्रभुपाद जी समझाते हैं इसको करने के लिए क्या चाहिए, भक्ति में क्या करना पड़ता है, भगवान का नाम बोलना, कीर्तन करना, डांस करना और प्रसाद खाना, क्या ये मुश्किल है, क्या कीर्तन करना मुश्किल है, भगवान का नाम बोलना मुश्किल है, नहीं, कीर्तन करना मुश्किल नहीं है, डांस करना मुश्किल है, डांस करना मतलब ये कोई ऐसा नहीं कोई भरतनाट्यम या कथक या ऐसा कोई स्टेप से डांस नहीं है, ये तो आनंद से डांस अपने आप से, यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं कि आप ऐसे ही डांस करना, तो डांस करना तो सब चाहते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि हर व्यक्ति ये चीजें करना चाहता है, हर व्यक्ति गाना चाहता है, कौन
आप कभी कभी शाहरुख के बारे में सबके सामने नहीं कर रहे, कर रहे दरवाजा बंद करके डांस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो डांस भी सभी करना चाहते हैं। और अच्छा खाना कौन खाना पसंद नहीं करता? अच्छा खाना मतलब जो आपको पसंद है, खाना सभी पसंद करते हैं, ठीक है? तो खाना सब पसंद करते हैं, डांस करना सब पसंद करते हैं, गाना सब पसंद करते हैं। तो भक्ति में क्या करते हैं, यही चीज करते हैं कि, लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क है कि भगवान के लिए करते हैं। तो भगवान के लिए कीर्तन नृत्य, कीर्तन कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं और भगवान को प्रसाद प्रदान करते हैं। तो ये चीज है चैंट, डांस एंड टेक प्रसाद प्रदान समझाते हैं। ये सभी लोग करते हैं और करने में उसका आनंद है। तो सुसुखाओ क्या मुश्किल है इसमें? गोपाल जी ने बोला हमने इस काम के पूरे दुनिया भर में 700 मंदिर है, अब सभी देशों में लगभग हर जगह पर है। और हर मंदिर में क्या होता है? भगवान का कीर्तन होता है। भगवान के ऊपर अगर कोई समझना चाहता है, अपने दिमाग से समझना चाहता है भक्ति क्या है, क्यों करना चाहिए, तो उसके लिए ग्रंथ भी है। जय श्री राधा माधव की, श्री गौरा महाप्रभु की। तो हर मंदिर में कीर्तन होता है, नृत्य होता है, भाव प्रसाद होता है। और उसके आगे अगर कोई उसको और अच्छा समझना चाहता है तो शास्त्र भी है, गीता भागवत के लिए पढ़ने के। तो ये करना बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सुगम करता हूँ। और अव्ययन, अव्ययन का मतलब क्या है? इसका नाश नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं केवल एक देश में कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं, विदेश में नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। या कोई हिंदू ही कर सकता है, मुसलमान नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं। अपने इस्कॉन के मंदिर में कीर्तन जब हम करते हैं तो मुसलमान भी आते हैं, सभी दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। विदेशों में जब करते हैं तो क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग, वो भी आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान का नाम। तो भगवान का नाम भगवान तो सबके लिए है। गीता में कृष्ण ने बोला कि ये नहीं बोला कि केवल हिंदुओं के लिए हो, भगवान ने बोला मैं सभी के लिए हूँ। तो भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए, भक्ति करने के लिए कोई देश काल इत्यादि का भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि ये ऊंचे जाति वाले ही कर सकते हैं, नीच जाति वाले नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसका गुरु है और गुरुदान है वो भगवान का नाम बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इसलिए अव्यय, और कोई भी टाइम है, ऐसा नहीं कि हाँ ये कल युग है इसलिए नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी युग में, कोई भी समय, कोई भी जगह पर, कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकते हैं। इसलिए आप भैया मुझे इस बात का कोई रुकावट या उसका कोई रिस्ट्रिक्शन बंधन नहीं है, तो कोई भी कर सकता है। तो इससे हम देख सकते हैं कितने लोगों का जीवन में परिवर्तन हुआ है। जैसे जब दूसरे विश्व युद्ध हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पे आपने सुना होगा हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर ने क्या किया, कहीं करोड़ों करोड़ों लोगों को मारा और बहुत क्रूर होते थे। वो क्या करते थे, एक जर्मनी में एक सच्चा घटना बता रहा हूँ आपको। जर्मनी में कुछ लोग होते थे जो लोगों को मारने के लिए उसको रखा जाता था। वो क्या करते थे, यहूदी लोगों को मारते थे और उनके बच्चों को भी मारते थे। और उनमें से कुछ ऐसे लोग थे, उनका काम था हारने जैसे लोगों को मारना। क्या करते थे, गांव के लोगों को ले जाते थे, बोलते हैं क्या आपको कुछ अच्छा अच्छी जगह रखने के, बोलते उनको ले जाके एक कमरे में बंद करके उसको आग लगा देते, गैस डालने की आग लगा के उनको मार देते थे। इस प्रकार से उनको टारगेट करता हर रोज इतने लोगों को मारना है, एक दिन में 10,000 लोगों को मारना है, इतने लोगों को मारना है, ऐसा होता था। और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो छोटे बच्चों को मारते थे, छोटे छोटे बच्चों को बोलने के लिए सुनने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वास्तविक घटना है। क्या करते थे, बच्चों को हवा में उछालते थे, हवा में उछाल के नीचे सूली लगा देते थे, तो बच्चे उसके ऊपर गिर के मर जाते थे। इस टाइप से उनको हर रोज वो ऐसा मारने को मजा आता। तो मतलब ऐसे लोग थे, सच्ची बात है। तो कई साल बाद जब इस्कॉन का प्रचार हुआ था, कई साल ये हिटलर सब मर गए, सब खत्म हो गए, उसके बाद इस्कॉन के प्रचार से ऐसे कुछ लोग भक्त बन गए, ऐसे कुछ लोग भक्ति के मार्ग में आ गए।
जनरल लोग लिए थे और वो भगवान का नाम बोलने लगे और भगवान का गीता पढ़ने लगे और भक्ति का मार्ग इतना तीव्रता से वो अपनाने लगे कि मतलब हम भी उतने अच्छे भक्त नहीं हो पाते हैं। इतने तीव्रता से भक्ति करने लगे कि उनको इतना पश्चाताप हुआ कि हम उनका जो पहले का जो जीवन है जीवन था कि हम कैसे लोग थे, कैसे बच्चों को मार सकते, हम कितने खराब थे, उनको इतना बुरा लगा उस चीज का। भक्ति लाने के बाद तो समझ गए कि कितने बड़े पाप किए थे, तो फिर उतना अफसोस हुआ कि वो बाद में जाके क्या करने लगे। जो भी अनाथ बच्चे होते हैं ना, अनाथ बच्चे या विकलांग बच्चे, ऐसे से बच्चों को लाके उनको खाने का, रहने का, पढ़ाई करने का सब व्यवस्था करके उनको ऐसे बच्चों की सेवा करते हैं, ऐसे कई सारे बच्चे। तो इस तरीके से उनके जीवन देखो कैसे व्यक्ति कैसे बने, कैसे लोग कितना परिवर्तन आया, केवल किससे आए ऐसा परिवर्तन, केवल भक्ति का मार्ग से, भक्ति का प्रभाव से इतना बड़ा परिवर्तन आया हमारे जीवन में। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो क्या किया, वहां हिप्पीज को उन्होंने हैप्पीज बना दिया। हिप्पीज कौन होते थे? हिप्पीज वो होते उस वक्त जो युवा पीढ़ी थी, वो लोग अपने घर छोड़ के सड़कों पर घूमते थे और हर प्रकार का नशा करते थे, मांस खाते थे, हर प्रकार के गलत जो पाप कार्य है उसमें लिप्त होते थे। लेकिन प्रभुपाद जी का आंदोलन में आके वो लोग सभी बुरे आदतों छोड़ दिए और उनमें से कई सारे लोग इस बार में जो चाय कॉफी भी नहीं पीते। आजकल इतना परिवर्तन आ गया उनके जीवन में कि कॉफी चाय भी पीना बंद कर दिए। हम भी हमने इंडिया में अपने भारतीय लोग भी बहुत हैं जो अभी भी कॉफी चाय पीते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वो जिनको ड्रग्स लेने की आदत थी सब बुरे आदत थे, लेकिन भक्ति की भक्ति में आने के बाद उनका जीवन में इतना परिवर्तन आया कि वो हमसे भी आगे हैं। मतलब चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और अपना जीवन में पूरी तरह से भगवान से समर्पित होकर भक्ति करते हैं। तो ऐसे होगा, कहने का मतलब ये है कि भक्ति के बाद में ऐसा प्रभाव है तो सुगम कर्म हो गया। ये प्रैक्टिकल है, ये केवल बोलने वाली बात नहीं है। हम देख सकते हैं जो अमल करेगा उसके जीवन में परिवर्तन आएगा ही जरूर, 100% गारंटी है। तो भक्ति का मार्ग में इतना प्रभाव है, तो हम भी अपने जीवन में अमल करके देखेंगे तो ऐसा परिवर्तन हमें भी आ सकता है। अगर पापी बीच जो पापी लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो प्रकार के गलत काम करते हैं, वो लोग भी अगर इतना अच्छे बन सकते हैं भक्ति करके, तो हम तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो हम अगर करें इसको तीव्रता से तो और कितना प्रभाव और कितना परिवर्तन हमारे जीवन में इससे हो सकता है। ये केवल कल्पना ही कर सकते हैं, अपने जीवन में करके देखिए। भारत में ही कितने लोग हर जगह पर यहाँ पर भी इस काम करते हैं और लोग आते हैं, भक्ति का मार्ग जुड़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भगवान का नाम लेते हैं और लेके उनके जीवन में इतना परिवर्तन हो जाता कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे जीवन हमारा परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा, एक और उदाहरण है, एक लड़का था बोल रहे थे, अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप सोच सकते हैं तो विदेश का उदाहरण दिया कभी उदाहरण है। अभी हम पुणे गए थे तो वहाँ एक लड़का बोल रहा था कि वो जब कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त इस्कॉन के कार्यक्रम में भाग लेने लगा। तो इस्कॉन में आने से पहले तो जब कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या होता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते, फ्रेंड्स के साथ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करें, कभी कभी बर्थडे पार्टी, किसी का जन्मदिन, किसी का कुछ ऐसा कुछ पार्टी में लग जाता। तो एक बार पार्टी में क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि जंगल में पार्टी, और जंगल में ऐसे ही जगह था जहाँ पर मतलब छोटा सा तालाब नहीं, छोटा सा तालाब जैसा था और लेकिन वो पूरा कीचड़ कीचड़ था। तो उनका ऐसा पार्टी ने सोचा कि वो लोग वो सब कीचड़ में ऐसा कीचड़ उठा के सबके ऊपर डालने लगे और पूरा वो जो मिट्टी की जो कीचड़ होता ना, पूरा चक्के शरीर से ऊपर लग गया, पूरा कपड़े सब सबके बराबर हो गया है, कोई पता नहीं चल रहा कौन क्या है, बस पूरा कीचड़ एक के ऊपर एक डालने लगे, फेंकने लगे कीचड़ को और वो मजा करने लगे, फोटो खींचने लगे और इस तरह से वो मस्ती करने लगे। तो वो व्यक्ति बाद में जाके इस
वाक्य उद्धार में आया है तो उनके जीवन इतना बदल जाता है, इतना परिवर्तित हो जाता है कि बाद में जाकर जब वो भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ सालों बाद वो जब मंदिर में जाकर भगवान का अभिषेक होता था, कोई विशेष तिथि था, भगवान का जन्मदिन था, तो फिर उस दिन भगवान का अभिषेक होता था फूलों का अभिषेक होता था। ऊपर से सब लोग इतने फूल डाल देते हैं, पुष्य अभिषेक था, सब ऊपर से फूल डाल देते, इतना उतने फूल डाल देते, फूलों में डूब गया। तो तब उस वक्त उसको याद आया कि एक टाइम पे कीचड़ डाल देते लोग, अभी फूल डाल रहे हैं, तो कितना कितना अंदर परिवर्तन हो गया। क्या मतलब ये है कि भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बदलाव आता है और हम खुद महसूस करते हैं क्या के और आज क्या है। तो इसको केवल करके ही समझाया जा सकता है। गुलाब जामुन में जो स्वाद है उसको समझाने से समझ नहीं आएगा, आपको खुद को मुंह में डाल के खाओगे तभी उसको समझ सकते। तो इसीलिए भक्ति करके ही उसकी महिमा क्या है समझ सकते। उसके लिए क्या करना चाहिए, दो ही चीज करी आ रही है, भक्तों के संग में आइए, मंदिर में आइए, भक्तों से संपर्क करिए, पूछिए भक्ति कैसे दिया जाए। यहाँ पर भक्ति के बारे में समझाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, भक्त लोग रहते हैं, और उनसे पूछे कि भक्ति क्या चीज होती है, उसको कैसे की जाती है, वो सीखना पड़ता है, कोई चीज सीखना पड़ेगा। तो इसको सीखने के लिए भक्तों से पूछिए, भक्तों बताएंगे कैसे इसको करना है, और भक्तों के संग में आकर भगवान का नाम दूसरा क्या है, भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का जप और कीर्तन करना, और कैसे करना भक्तों से समझ के नियमित रूप से भक्तों के संग लेते रहिए, भगवान का नाम करते रहिए, और इसी से हमारा